हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सीशार्प डॉटनेट विंडोज एप्लीकेशन में और किसी भी फॉर्म को कैसे ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था क्रिएटिंग फर्स्ट सीशार्प विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन ट्यूटोरियल। ये एक पहला वीडियो है, इसको आप जरूर देखिएगा। उसके बाद ये वीडियो आप देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब यहाँ पे कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं फॉर्म को। यह एक फॉर्म वन है जो कि पहले से ही क्रिएट किया था मैंने लास्ट वीडियो में। अब एक फॉर्म यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे और प्रोजेक्ट टैब में जाते हैं और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड विंडोज फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे विंडोज फॉर्म यहाँ पे ऑप्शन आ गया विजुअल सी शार्प है और विजुअल सी शार्प आइटम्स ये इस तरह का है और इसका नाम है फॉर्म 3। तो यहाँ से आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ऐड, ठीक है, ऐड फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म ऐड हो गया। देखिए ऐड फॉर्म इसका नाम है, यहाँ पे इसका नाम, यहाँ पे टेक्स्ट। यहाँ से अगर चाहे तो आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट आप कुछ और दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सा छोटा सा चीज दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे टूल बॉक्स में एक जाते हैं, एक बटन को ड्रैग करते हैं। यहाँ पे देखिए वहां पे बटन आ गया और इस पर डबल क्लिक करते हैं तो बटन का लोड इवेंट जो है यहाँ पे खुल गया। तो यहाँ पे F2, तो यहाँ पे फॉर्म का नाम क्या है, एड फॉर्म नाम है। ठीक है, एड फॉर्म इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं F1। उसके बाद न्यू एड फॉर्म, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे F1 के थ्रू हम प्री डिफाइंड जो भी मेथड इसको कॉल कर रहे हैं, जैसे सो मेथड है। तो यहाँ पे अब सो मेथड के बारे में अगर जानना है तो यहाँ पे सेट कर्सर ले जाइए। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले द कंट्रोल टू द यूजर, कंट्रोल जो भी है वो डिस्प्ले करता है यूजर का और सो मेथड। तो यहाँ पे चलिए एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्म वन का जो कंटेंट था रिसाइज फॉर्म, इसमें मैंने ये सब कोड देखा था। तो ये वीडियो में आप मैंने सही से एक्सप्लेन किया, इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट में तो क्लिक करेंगे यस पे, तो यस बटन और यहाँ पे इस तरह का फॉर्म खुल गया। ये पहला फॉर्म है और यहाँ पे अगर आपको F1 और सो मैथड लिखना है तो ठीक है, अगर नहीं लिखना है तब भी ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप F1 लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक और तरीका है, यहाँ पे सो डायलॉग के पास ले जाइए कर्सर। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सो द फॉर्म ऑफ मॉडल्स डायलॉग्स बॉक्स। तो यहाँ पे जो भी डायलॉग्स बॉक्स है वहां पे सो करेगा जब ये मेथड कॉल होगा। एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जो भी डायलॉग बॉक्स था कंट्रोल्स था यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। अब क्लिक करते हैं यस पे, यहाँ पे। तो इस तरह से हम फॉर्म को ऐड करते हैं विंडोज एप्लीकेशन में। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट में जाना है, उसके बाद ऐड फॉर्म। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जितना फॉर्म आपको क्रिएट करना है यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैंने फॉर्म 3 यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो ये दूसरा वीडियो है विंडोज एप्लीकेशन का और सीशार्प और डॉटनेट में। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा और समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए और ये वीडियो प्लीज देखिए, क्योंकि ये वीडियो और जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।